नमस्कार, कहानी सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रवींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा जीवन स्मृति का 42वां भाग। आज की कथाचित्र का नाम है मृत्यु शोक। इसी बीच घर में एक के बाद एक कई मौतें हो गई थीं। इसके पहले मैंने कभी मौत को नज़दीक से नहीं देखा था। मेरी माँ का संवत 1931 में जब देहांत हुआ था, मैं बहुत छोटा था। बहुत दिनों से वो बीमार थीं, लेकिन कब उनकी ज़िंदगी का आखिरी वक्त आ पहुँचा, मैं जान भी नहीं पाया। अब तक जिस कमरे में हम लोग सोते थे, उसी कमरे में अलग बिस्तर पर माँ सोती थीं। लेकिन उनके बीमारी के दिनों में कुछ दिनों के लिए एक बार उन्हें बोट में घुमाने ले जाया गया था। उसके बाद घर आईं तो हवेली में तीसरी मंजिल में रहने लगीं। जिस रात को उनका देहांत हुआ, हम लोग तब सो रहे थे। तब रात का क्या वक्त रहा होगा मालूम नहीं। एक पुरानी नौकरानी हमारे कमरे में दौड़ी आई और चीख कर रो उठी, अरे तुम्हारा सब कुछ चला गया रे। भाभी रानी यानी कि कादंबरी देवी उसी वक्त उसे डांट डपट कर कमरे से खींच ले गईं। उन्हें डर था कि इतनी रात को अचानक कहीं हम बच्चों के मन को गहरी चोट ना पहुंचे। धीमे जलते दिए की मध्यम रोशनी में मैं पल भर के लिए जाग कर उठ बैठा। दिल दहल सा गया, लेकिन हुआ क्या ये अच्छी तरह समझ ही नहीं सका। सवेरे उठकर जब माँ के ना रहने की खबर सुनी, तब भी उस बात का पूरा मतलब समझ नहीं सका। फिर बाहर के बरामदे में जाकर देखा कि माँ की सजी धजी देह आंगन में खाट पर सुलाई हुई है, लेकिन मौत जैसी खौफनाक होती है, उनके शरीर पर इसका कोई निशान नहीं था। उस दिन सुबह के उजाले में मौत का जो रूप देखा, वो सुख निंदिया की तरह ही शांत और सुंदर था। उसमें जिंदगी और मौत का फर्क साफ देखने में नहीं आया। सिर्फ जब उनकी देह उठाकर मकान के दरवाजे से बाहर ले जाई गई और हम सब उनके पीछे मुर्दा घाट को चल दिए, तब शोक की आंधी जैसे यकायक जबरदस्त झटका देकर मन के अंदर छिप गई और वहाँ एक ऐसा हाहाकार मचा दिया कि मैं समझ गया कि इस दरवाजे से माँ अब कभी भी अपनी इस लंबे वक्त से संजोती आई इस घर गृहस्थी में जगह लेने के लिए नहीं लौटेंगी। शमशान से घर लौटने में दोपहर हो गई। गली के मोड़ पर आकर तीसरी मंजिल पर पिताजी के कमरे की तरफ देखा। पिताजी सामने के बरामदे में सन्नाटे में बैठकर पूजा कर रहे थे। घर की जो छोटी बहू कादंबरी देवी थी, उन्होंने मातृहीन बालकों का जिम्मा लिया। वो ही हम लोगों को खिला पिला कर, पहना ओढ़ा कर हमेशा अपने पास रखने लगी। दिन रात उनकी यही कोशिश रहती कि किसी भी तरह हमें ये महसूस ना हो कि हमारा कुछ जाता रहा है। जो नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता, जिस बिछोह का कोई इलाज नहीं, उसे भूलने की ताकत प्राण शक्ति की एक खास खूबी है, और बचपन में वो प्राण शक्ति नई नई और जबरदस्त रहती है। तब वह किसी भी चोट को गहराई के साथ नहीं लेती, उसकी कोई अमिट लकीर खींच कर नहीं रखती। इसीलिए जिस मौत ने मेरी जिंदगी में काली छाया डालते हुए घुसपैठ की थी, उसने अपनी कालिख को टिकाऊ न बनाकर छाया की तरह ही एक दिन चुपचाप विदा ले ली। इसके बाद और कुछ बड़ा होकर जब मैं वसंत के सुबह के वक्त बगीचे में मुट्ठी मुट्ठी भर बड़े बड़े बेला के फूल तोड़ तोड़कर चादर के छोर में बांधकर पागलों की तरह घूमता रहता, तब उन नाजुक गुलगुले फूलों को माथे पर फेरते हुए माँ की सुंदर उंगलियों की याद हो आती। तब मैं साफ साफ महसूस करता कि जो छुअन उन सुंदर उंगलियों के पोरुओं में थी, वही छुअन रोज इन फूलों से छन कर खिल उठती है। दुनिया में उसका अंत नहीं, चाहे हम भूल जाएं या याद रखें। किंतु मेरी 26 वर्ष की उम्र में कादंबरी देवी के मौत के साथ जो मेरी पहचान हुई, वो स्थायी पहचान थी।
वो पहचान अपने बाद के हर एक बिछोह की पीड़ा के साथ मिलकर आंसुओं की लंबी माला गूंथती चली जा रही थी। बचपन की हल्की फुल्की जिंदगी बड़ी से बड़ी मौत से आसानी से कतराकर दौड़ती हुई निकल जाती है, लेकिन ज्यादा उम्र में मौत को इतनी आसानी से धोखा देकर निकल भागने का रास्ता पाना मुश्किल है। इसी से उस दिन की पूरी असहनीय चोट को छाती पसार कर झेलना पड़ा था। जिंदगी में जरा भी कहीं कोई दरार है, इस बात को तब मैं जानता ही नहीं था। तब सब कुछ हंसने रोने के ताने बाने से कसकर बुना हुआ मालूम होता था। उस बुनावट में से बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं देता था। इसी से उसे अंतिम रूप में कबूल कर लिया था। इतने में न जाने कहां से इस मौत ने आकर बिल्कुल सामने आए जिंदगी के एक हिस्से में पल भर में दरार पैदा कर दी, और तब मैं अचानक कैसा तो हक्का बक्का सा हो गया। सोचने लगा, ये क्या, ये कैसा गोरख धंधा। चारों ओर से पेड़ पौधे, धरती आसमान, सूरज चांद तारे ज्यों के त्यों सहज सत्य के रूप में दिख रहे हैं। यहाँ तक कि देह प्राण दिल मन के हजारों तरह के रिश्तों के मुकाबले में जिसे मैं अपने सब कुछ से ज्यादा सच में महसूस करता था, वो नज़दीक का आदमी जब इतनी आसानी से पल भर में सपने की तरह गायब हो गया, तब मुझे दुनिया की ओर देखकर ऐसा लगने लगा कि ये कैसा अजीब है अपने का छूट जाना। जो है और जो नहीं रहा, इन दोनों में आखिर मेल कैसे बिठाया जाए। जिंदगी के इस छेद के भीतर से ये जो एक अथाह अंधेरा सामने आया, वो मुझे दिन रात खींचने लगा। घूम फिर कर बार बार मैं वहीं आकर खड़ा होता, उसी अंधेरे की ओर देखता रहता और ढूंढता रहता। जो चला गया उसके बदले में रहा क्या। असल में खालीपन को आदमी किसी भी तरह मन से विश्वास नहीं कर सकता। जो नहीं है झूठ है, और जो झूठ है वो नहीं है। इसीलिए जो दिख नहीं रहा उसी में देखने की कोशिश, जो मिल नहीं रहा उसी में पाने की उम्मीद किसी भी तरह रुकना नहीं चाहती। पौधे को अंधेरे दायरे में घेरे रखने से वो जिस तरह अपनी पूरी कोशिश करके उस अंधेरे को किसी कदर लांघ कर उजाले में मुंह उठाने के लिए पांवों की उंगलियों के बल भरसक उचक कर खड़ा होना चाहता है, ठीक उसी तरह मौत ने जब मन के चारों तरफ अचानक एक नहीं है वाली अंधेरे की दीवार खड़ी कर दी, तब मैं पूरे मन प्राण से दिन रात जोरों की कोशिश करके है के उजाले में निकलने के लिए उचक उचक कर खड़ा होने लगा। लेकिन उस अंधेरे को पार करने का रास्ता अंधेरे में जब दिखाई ही ना दे, तब फिर उसके जैसा दुख और क्या हो सकता है। फिर भी उस असह्य दुख के अंदर से मेरे मन में पल पल में अचानक ही खुशी की हवा बहने लगी। इससे मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। जिंदगी बिल्कुल थिर और निश्चित नहीं। इस दुख पर सोचने से ही मन का भार हल्का हो गया, और फिर मैं ये सोच कर भीतर ही भीतर खुशी महसूस करने लगा कि हम स्थिर सच्चाई की पत्थर की बनी चहारदीवारी में हमेशा के लिए कैदी नहीं। जिसे पकड़ा था उसे छोड़ना ही पड़ा। इस नुकसान की तरफ देखकर जैसी पीड़ा हुई, वैसे ही उस वक्त उसके छुटकारे की बात सोचकर एक गहरे सुकून का एहसास भी हुआ। दुनिया का झंझटों से भरा भार जिंदगी मौत के पाने खोने से अपने आप को सहज बनाकर चारों तरफ बराबर बहता चला जा रहा है। वो बोझ रुक कर किसी को भी कहीं दबाकर नहीं रखेगा। किसी को भी किसी की जिंदगी का झंझट नहीं झेलना पड़ेगा। इस बात को उस दिन मैंने जैसे एक अद्भुत नए सच की तरह जिंदगी में पहले पहल महसूस किया था। उस वैराग्य के अंदर से दुनिया की खूबसूरती और भी गहरे तौर पर लुभावनी हो उठी थी। कुछ दिन के लिए जिंदगी को लेकर मेरा गहरा लगाव बिल्कुल ही दूर हो जाने से चारों तरफ के आसमान के भीतर पेड़ पौधों की हरकतें मेरी आंसू धुली आंखों में मिठास बरसाने लगीं। दुनिया को भरी पूरी और खूबसूरत देखने के लिए जिस दूरी का एक मतलब है, मौत ने वो दूरी मुझे दे दी थी। मैंने बेलाख खड़े होकर मौत के विशाल पर्दे पर दुनिया की तस्वीर देखी और जाना कि वो बड़ी खूबसूरत है।
उन दिनों फिर कुछ समय के लिए एक बार मेरे मन में अजीब विचार और बाहर अजीब व्यवहार दिखाई दिया था। दुनियावी बर्ताव को बिल्कुल सही मानकर चलने में मुझे हंसी आती थी। उसका मुझ पर कोई असर ही नहीं पड़ता था, जैसे वो मेरे लिए मोह जाल हो। कुछ दिन तक इस बात की मुझे बिल्कुल ही परवाह नहीं रही कि मेरे बारे में कौन क्या ख्याल करता होगा। धोती पर एक मोटी चादर ओढ़े हुए मैं कितने दिन थैकर कंपनी में किताबें खरीदने गया हूँ। खाने पीने का डॉल भी बहुत हद तक बिगड़ गया था। कुछ दिनों तक मैं वर्षा, बादल, ठंड में भी तीसरी मंजिल के बाहर वाले बरामदे में सोया करता था। वहाँ आसमान के तारों के साथ मेरी आँखें चार हो सकती थीं और सुबह के उजाले के साथ घुलने मिलने में देर नहीं लगती थी। मेरे ये सब काम वैराग्य की कठिन साधना हरगिज नहीं थे, ये तो जैसे मेरे लिए छुट्टी के दिन थे। दुनिया के बेंत पकड़े गुरुजी जब बिल्कुल ही एक धोखाधड़ी से मालूम हुए, तब उनकी पाठशाला की हर एक छोटी छोटी ताकीद को न मानकर मैं आज़ादी का स्वाद लेने लगा। किसी दिन सवेरे सो कर उठते ही अगर हम देखें कि धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पहले से आधी रह गई है, तो फिर क्या सरकारी रास्ते से सावधानी से चलने की इच्छा हो सकती है? ज़रूर ही तब हम हैरिसन रोड के चार चार पाँच पाँच मंजिल के मकानों को बिना देर किए छलांग मार मार कर पार कर जाएंगे, और किले के मैदान में हवा खाते वक्त सामने अगर मीनार आ जाए तो ज़रा सा टकरा कर चलने की भी तबीयत नहीं होगी, चट से उसे लांग कर पार हो जाएंगे। मेरी भी ठीक यही हालत हो गई थी। पांवों के नीचे जिंदगी का खिंचाव घटते ही मैंने बंधे रास्ते को लगभग छोड़ ही दिया था। मकान की छत पर अकेला बैठा मैं गहरे अंधेरे में मौत के राज्य की किसी एक चोटी पर टिके झंडे को, उसके काले पत्थर के बने बंधनवार पर लिखे किसी एक अक्षर या चिन्ह को देखने के लिए जैसे सारी रात अंधे की तरह दोनों हाथ फेरता रहता। फिर सवेरे जब मेरे उस बरामदे में बिछे बिस्तर पर भोर का उजाला आके पड़ता, तब मैं आँख खोलते ही देखता कि मेरे मन के चारों तरफ का कुहासा छटता जा रहा है। कुहासा दूर हो जाने पर धरती के पहाड़, नदी, वन जैसे झिलमिल कर उठते हैं, वैसे ही जिंदगी की फैली तस्वीर मेरी आँखों में शिशिर के मौसम से भीगी नई नई और सुंदर दिखाई देने लगती। दोस्तों, ये था जीवन स्मृति का 42वां भाग। अगली बार आपसे फिर मिलूंगी एक नई कथा चित्र के साथ। नमस्कार।